हाय सोम सर रे। हाँ, फिजिक्स एक्सपर्ट आराध्य क्लासेस पे, वो सीटीएम अहमदाबाद वाला आराध्य क्लासेस। यस, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज देख, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6 लेके आया तेरे लिए। मैग्नेटिक फोर्स टॉपिक जो चल रहा है उसमें 6 नंबर का लेक्चर है ये। अच्छा डिस्कशन है आज। हाँ, जो पुराने वीडियोस देखे होंगे तूने, 1 to 5 लेक्चर, तो मज़ा आया होगा। उससे भी धांसू मजा आज फिर से आने वाला है तेरे को। बहुत बढ़िया घटना, एक फिनोमिनन है, वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या है ये? तो अभी के अभी बता दूं तो तू फिर वीडियो क्यों देखेगा? शांति से ग्रेजुअली वी विल गो देयर। एक्सप्लेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज का वेलोसिटी डिस्कस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कंबाइंडली वो जा रहा है। तब तो हम जानते हैं ना लॉरेंस फोर्स वाली बात। लॉरेंस फोर्स वाली बात क्या थी? देख, यही थी कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज है, ऐसा शांति से समझ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ये रहा। तब उस पर फोर्स लगता है ना, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। और फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होता है? फील्ड के डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होता है फोर्स। हाँ, यही चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, उसमें जब ये चार्ज मूव होता है तो उस पर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक वाला नहीं, मैग्नेटिक वाला रे, ये क्यू वी क्रॉस बी। इसका डायरेक्शन पता कर सकते हो स्क्रू से या आई जे के रख के, है ना? हाँ, तो अभी नहीं ड्रॉ कर सकते, वी और बी जानना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? चल, तो जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ऐसा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में तो ऐसा फोर्स, दोनों फील्ड एक साथ हैं जॉइंटली कहीं पे। यहाँ पे देख, जैसे ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों साथ में है, कंबाइंड इफेक्ट। और यहाँ से कोई चार्ज को निकलना है अंदर तो क्या होगा? तो दोनों फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला फोर्स देगा, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला फोर्स देगा, टोटल ये हो जाएगा। और दोनों का टोटल को हम लॉरेंट्ज़ फोर्स बोलते हैं। ये तू ऑलरेडी जानता है, सिर्फ तुझे याद करवाया मैंने। हाँ, तो अपना पहला पॉइंट यहीं से उठाते हैं। यस, पहला पॉइंट यहीं से उठा देना। क्या उठाएंगे? कि व्हेन व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स इट एक्सपीरियंस इज द फोर्स एज शोन बिलो। व्हेन अ चार्ज मूविंग इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स इज हियर। ये वाला फोर्स देख, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स मीन्स क्यू वी क्रॉस बी। ये वाला फोर्स उस पर लगता है, ठीक है? इक्वेशन 1। ओके, नो प्रॉब्लम दोस्त। यस यस, मजा आने वाला है भाई। मजे के लिए तो लेक्चर में आते हो आप लोग, वीडियो देखते हो, और वो ही नहीं आए तो वीडियो का क्या मतलब है? ये वेलोसिटी सिलेक्टर क्या वर्ड है? आएगा अपना टाइम आएगा, रुक, पहले इन दोनों का ड्राइंग करो। हाँ, बिना ड्राइंग के तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि सारा वेक्टर का मामला पड़ा है। देखो, तो चलो ड्राइंग करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं पॉजिटिव वाई, यहाँ पे ले लेते हैं पॉजिटिव एक्स, ठीक है? और यहाँ पे जेड पे ले लेते हैं, हाँ पॉजिटिव जेड ले लेते इधर, ठीक है? अब एक्स डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि चार्ज का वेलोसिटी इधर है, एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा इधर है वाई डायरेक्शन में, सपोज, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और चार्ज तेरा ये रहा, इधर जाना चाहता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो तो फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। हाँ, उसमें थोड़ा गड़बड़ है, वो स्क्रू से पता करना पड़ता है, ये तो फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, ऐसे फोर्स इलेक्ट्रिकल, ये वाला, क्लियर? अब मैग्नेटिक फील्ड सपोज तूने यहाँ पे ले लिया इधर जेड डायरेक्शन में, देख, दिख रहा है प्रॉपर बोर्ड वर्क, कैमरामैन दिख रहा है ना? छोटा नहीं पड़ रहा है ना, बिल्कुल स्मॉल लेटर्स लाइक, नॉट दैट, ओके।
अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स उसी के डायरेक्शन में ले गया उसको, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो स्क्रू से जानना पड़ेगा, पता है नहीं, चल नहीं, समझ नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो छोड़, चल मैथमेटिक्स में से कुछ आंसर मिलेगा अपने को, चल आ जा, हाँ जहाँ समझ में नहीं है वहाँ जबरदस्ती कुछ रटना नहीं है, चल मैं काम करता हूँ, दोनों को एनालिसिस करता हूँ, चेक करता हूँ डायरेक्शंस। पहला इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू क्यू ई, अब एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू क्यू, मुझे ये वेक्टर नहीं रखना है, जा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैरेट रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है, वेक्टर है इधर तो इधर कैरेट चाहिए, ओके। तो ये कौन से डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में दिख रहा है ड्रॉइंग पर से, तो ये हो गया इसका आंसर, कर लिया एनालाइज। नाउ लेट्स एनालाइज द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, चल देख ले वी कहाँ है तेरा, एक्स डायरेक्शन में, तो उसको लिख सकता है वी आई कैरेट, हाँ बी किधर है तेरा भाई, बी तो है तेरा जेड डायरेक्शन में, तो उसको लिख सकता है बी के कैरेट, समझ में आ रहा है दोस्त, हाँ अब देख क्यू वी भी हो गया सेटल, अब ये आई क्रॉस के बन गया मामला, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या होगा, हाँ वही जो तू सोच रहा है माइनस जे, वो साहब कहाँ से आता है कैसे आता है, तो यार थोड़ा ग्यारहवीं भी तो पढ़ना पड़ता है ना, तुम सीधा बारहवीं में चले आते हो एक साल मजे करके, तो नहीं चलेगा, चल रिवाइज करवा देता थोड़ा सा ग्यारहवीं, देख ग्यारहवीं में ऐसा पढ़ा था अपन ने आई जे के, ये सीरीज होता है, ये इस डायरेक्शन में से पॉजिटिव आएगा, उल्टा करेगा तो नेगेटिव आएगा, जैसे आई क्रॉस जे किया तो आ गया के, जे क्रॉस के किया तो आ गया आई, फिर के क्रॉस आई किया तो आ गया जे, हाँ अब इसमें कुछ भी उल्टा किया ना तो वो स्क्रू जो अंदर जा रहा था वो बाहर आ जाएगा, ऐसा होता है ना, हाँ तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है, तो के क्रॉस आई जे होता है, तो उल्टा करो आई क्रॉस के तो क्या हो जाएगा माइनस जे ना, तो वही तो पढ़ाया है यहाँ पे, क्या किया है समझा, लेकिन तू इतना छोटा नहीं है कि मैं इलेवेंथ का ज्ञान तुझे बांटता फिरूँ हर बार, ये पिछले एक दो वीडियो में भी समझाया था पूरा स्क्रू घुमा के, हाँ तो वीडियो अच्छे से देखो, ठीक है। तो हाँ इधर जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी वो मैथमेटिक्स से क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फोर्स माइनस जे डायरेक्शन में है सर, यस तो मैग्नेटिक फोर्स ड्रॉ कर माइनस जे, ये रहा प्लस जे, तो इसके एग्जैक्टली नीचे होगा माइनस जे डायरेक्शन, इधर कौन है मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर। अब ड्राइंग पक्का ना, तो दोस्त ऐसे पढ़ते हैं, हाँ कुछ भी नहीं रट्टा मार लेते, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन का टाइटल देखा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अवेलेबल है और चार्ज मूविंग है, तो मुझे तो तुरंत ये लॉरेंस याद आ गया था कि दोनों जन मिलके ये फोर्स लगाना है, फोर्स लगाते ही मुझे समझ में आया कि लाना कुछ ड्राइंग करते, तो ड्राइंग करते करते ये वाले में फंस गया, मैग्नेटिक फोर्स का है वो नहीं पता चल पा रहा था, तो उसके लिए ये मैथमेटिक्स किया, मिल गया आंसर। तो फिर अब वेलोसिटी सिलेक्टर वर्ड पे आ रहा हूँ, शांति रख, इसी पे आ रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते उधर ही पहुँचूंगा, लेकिन उसका फाउंडेशन तो समझाऊँ फिर बिल्डिंग बनाते, डायरेक्ट ये क्या बता दूँ तुझे, हाँ चल अब एक काम कर, ये जो वैल्यू है सारी इधर रख दे इक्वेशन वन में, तो चल पुटिंग इंटू इक्वेशन वन, फोर्स इज इक्वल्स टू ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई जे कैरेट, ये रहने यार, हाँ याद नहीं रखता है, फिर मैग्नेटिक फोर्स माइनस क्यू ई, ए यार मुझे याद नहीं रहता है सॉरी, क्यू बी बी जे कैरेट, ठीक है दोस्त। अब देख क्यू ई माइनस क्यू बी बी जे कैरेट को कॉमन ले लेते हैं, हाँ हाँ लिया, अब मुझे यहाँ पे वेक्टर नहीं रखना है सर, तो ये कैरेट निकाल दे, कौन ना बोल रहा है, सब तेरे हाथ में ये पूरा गेम, हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है दोस्त। थोड़ा यहाँ पे बॉर्डर बनाना पड़ेगा वरना सब मिक्सअप लगेगा तुझे, मज़ा नहीं आएगा देखने में, रुक ये सिटी कौन से गाने का था,
पहचान सकता है सच्ची में, तो कमेंट में लिख कि सर ये वाले गाने का सीटी बहुत फेमस गाना था, ये गाने को शायद राजघाट तो सॉरी महात्मा गांधी का कुछ है, इंडिया गेट पे बजाया था ये गाना कुछ गवर्नमेंट फंक्शन में, इतना फेमस गाना था इंडिया का ये। इस गाने को बनाया था शंकर महादेवन ने, द फेमस म्यूजिसिस्ट। ठीक है, अब लिख दे कमेंट में, फिजिक्स तो नहीं लिखता है ये, तो लिख कुछ ना कुछ तो लिख कमेंट। चल एक बार और बजा दूं, चल ले बस इतना ही। हाँ चल देख, अब आगे बढ़े, वेलोसिटी सिलेक्टर पे आना है अपने को, चलाते हैं दोस्त। इधर है ना, अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ई और मी का वैल्यू कुछ ऐसा सेट करें कि ये पूरा ये टर्म और ये टर्म इक्वल हो जाए, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, जीरो। हाँ कर सकते हैं ना अपने हाथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डालना है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कितना डालना है, वो तो अपने हाथ में, तो हम उसको सेट कर सकते हैं उस वैल्यू को। हाँ तो कुछ जुगाड़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऐसा सेट कर कि ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं, जिससे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। अच्छा रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल है ना उसको कुछ नहीं होगा, वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा, क्योंकि उस पर टोटल फोर्स जीरो हो रहा है, तब उसको कौन परेशान कर सकता है, वो तो निकल जाएगा। चाहे उधर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड खड़े हैं कि आजा बेटा, लेकिन वो दोनों मिलके उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। हाँ तो लिख इस आर्ग्यूमेंट को, अब इस वर्ड पे आ रहे धीमे धीमे हम लोग, लिख इफ ई एंड बी आर टेकन इन सच अ वे सो दैट QE is equals to QVB. So due to this, resultant force will be zero and Q will remain undeflected. Q will remain undeflected. तो अभी velocity selector पे आ रहे, अब एक काम कर, ये दोनों equal आ रहे हैं ना इस situation में, तो इन दोनों को Q Q cancel कर, तो V is equals to E by B, ये मिला result। अरे बड़ा तूब result है, नमस्कार करो इसको, रुको जय माता जी। हाँ बड़ा धांसू रिजल्ट है। अब फाइनली वेलोसिटी वर्ड कुछ दिख रहा है जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन तू कुछ और समझाऊँ उससे पहले एक चीज़ बहुत पक्का कर ली दिमाग में, कि इस पूरे थियरी में, इस पूरे फिनोमिनन में जो पढ़ा रहा हूँ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तभी ये लॉन्च हो पाएगा। देख ले ड्राइंग, बताया तो सही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है भैया, ये ध्यान रखना, तभी ये सब लागू होगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है चल देखते हैं क्या मतलब है वेलोसिटी सिलेक्टर का। ये मतलब ऐसा कर दूं कि जिसका वेलोसिटी ई अपॉन बी के इक्वल होता है उस पर फोर्स जीरो होता है, उस पर फोर्स जीरो होता है तो वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा, है ना। तो मैं एक काम करूं, पहले तो इधर थोड़ा मिटाऊंगा, देखिए हाँ ये मिटाता हूं, मिटाए थोड़ा जगह मिल गया। अब देख मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो इधर सेट ही है, जैसे ये रहा तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जेड डायरेक्शन में हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इधर है ना बहुत सारे चार्ज को दौड़ाता हूँ, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 बहुत सारे चार्ज को एक रे के फॉर्म में, पूरा एक बीम ऑफ चार्जेस, बीम रे ऑफ चार्जेस के फॉर्म में दौड़ाता हूँ। हाँ और दौड़ाते वक्त ये ध्यान रखता हूँ, सबको एक्स डायरेक्शन में दौड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, दौड़ाते वक्त ये ध्यान रखता हूँ कि इन सबका वेलोसिटी, इन सबका स्पीड डिफरेंट हो, वेलोसिटी स्पीड सबका डिफरेंट हो। तो इसमें से हमें लगता है ना कि कुछ चार्ज पार्टिकल होंगे जिनका स्पीड ई अपॉन बी जितना होगा, ये जो ई है और बी तुझे पता ही होगा कि इतना लिया मैंने, बी इतना लिया, जिनका स्पीड E और B के रेशियो जितना होगा वो सारे अनडिफ्लेक्टेड मतलब सीधे निकल जाएंगे। हाँ तो मान लीजिए ये वाला पार्टिकल है, इसके लिए इसका स्पीड E और B के रेशियो जितना हो रहा है तो ये सीधा निकल जाएगा अनडिफ्लेक्टेड, इसका स्पीड क्या है E अपॉन B जितना, जैसे इसके लिए भी वो लागू पड़ रहा है तो ये भी निकल जाएगा। और जिनका स्पीड ये नहीं हो रहा है, जिनका स्पीड ऐसा मैनेज नहीं हो पा रहा है, उन पर फोर्स जीरो नहीं है,
फोर्स जीरो नहीं मतलब कुछ फोर्स लगेगा तो वो लोग डिफ्लेक्ट होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे तो इधर उधर घुसेंगे, कोई हेलिकल पाथ पे जाएगा, कोई सर्कुलर घूमना चाहेगा, कोई इधर उधर, कुछ ना कुछ होगा इनका, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब समझ में आता है कि तूने सिलेक्ट कर लिया है कि किन किन को निकलने देना है और किसको नहीं निकलने देना है बाहर। हाँ, इलेक्ट्रिक जोन और मैग्नेटिक जोन कंबाइंड है और उसमें तू कुछ चार्ज पार्टिकल्स बहुत सारे डाल अलग अलग स्पीड के, तो जिनका स्पीड ई बाई बी को मैच करेगा वो लोग अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएंगे, और जिनका स्पीड मैच नहीं करेगा वो कुछ ना कुछ अंदर मोशन परफॉर्म करेंगे, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड फोर्स, क्लियर। इसलिए यहाँ पे ये जो फील्ड है वो वेलोसिटी सिलेक्टर का काम कर रहे हैं। अब समझा वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब? हाँ, तो पूरा पॉइंट लिखना पड़ेगा रे, अब मैं नहीं लिखूंगा, जगह नहीं है, इतना बड़ा बच्चा हो गया, लिख ले, कैसे लिखेगा, चल बताता हूँ। ये ड्राइंग नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए किया, क्या कि नाउ इफ अ बीम रे ऑफ चार्जेस हैविंग डिफरेंट स्पीड्स इज कंसिडर्ड इन दिस सिचुएशन, सो द चार्जेस हैविंग स्पीड ऑफ ई बाई बी मैग्नीट्यूड विल पास अनडिफ्लेक्टेड, द चार्जेस विद स्पीड आर नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाई बी दे विल बी डिफ्लेक्टेड, ओके, सिंपल। तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर, ओके, ठीक है। अब इस फिनोमिनन का सबसे पहला यूज जे जे थॉम्सन ने किया था, हाँ वही थॉम्सन साहब, एटॉमिक मॉडल दिया था पहले, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाया उनका मॉडल, लोगों को पसंद नहीं आया, गलत भी था, गलत भी था, वही रहे उनके एटॉमिक मॉडल को बोलते थे ना अपन प्लम पुडिंग मॉडल, वही जे जे थॉम्सन, हाँ वाटरमेलन मॉडल, उनके एटॉमिक मॉडल के बहुत नाम थे, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। अच्छा, उन्होंने एटम का रेडियस बता दिया था, 10^-10 मीटर एटम का रेडियस, वही थॉम्सन बाबा ने सबसे पहले ये किया था, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया था वेलोसिटी सिलेक्टर का 1897 में। उन्होंने क्यों किया था ये? इलेक्ट्रॉन के लिए ई अपॉन एम फाइंड करना था उनको, उसके एक्सपेरिमेंट में ये लॉजिक उन्होंने लगाया था। फिर इसका अभी कहाँ यूज होता है ज़्यादा? इसका यूज होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, जो आयन्स होते हैं ना अलग अलग, हाँ उन आयन्स के लिए क्यू अपॉन एम फाइंड करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर में टेक्निक यूज होता है। इज दिस क्लियर? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले ले पहले, ओके स्क्रीनशॉट लिया ना। अब छोटी सी बात करता हूँ, देख बहुत सिंपल थियरी है। सबसे पहले बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड है, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज डिस्कस करो, तो किया ना ये सब यहाँ पे किया था मैंने, हाँ। फिर ये मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में फंस गया, तो थोड़ा मैथमेटिक्स में गया, जुगाड़ लगाया, समझ में आ गया कि माइनस जे डायरेक्शन में, फिर इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ तक पहुँचा। यहाँ तक पहुँचने के बाद अपने को कुछ सूझा अलग से, क्या कि ई और बी तो अपने हाथ में ही होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डालना है अंदर, कितना मैग्नेटिक फील्ड डालना है। अरे तू बड़ा मैग्नेट लाएगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए ना लैब में हम लोग मैग्नेट नहीं यूज़ करते हैं, वो अभी आप पढ़ोगे चैप्टर में, हम लोग सोलेनोइड यूज़ करते हैं, सोलेनोइड एक पाइप जैसा होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है, स्विच ऑन करो ना तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है अंदर। हाँ, अरे वही ऑस्टर्ड लॉ यार, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था कि कोई वायर होता है उसमें से करंट पास हो तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, तो ये सोलेनोइड में ऐसा एक पाइप होता है जिसके ऊपर वायर लपेटे हुए होते हैं, और स्विच ऑन करो आप तो करंट पास होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चीज़ों को हम ये डालते हैं तो उसको मैग्नेटिज्म मिलता है, उसके लिए स्पेशल मैग्नेट का टुकड़ा उठा के लाने की जरूरत नहीं होती है, लॉट्स ऑफ टेक्निक्स। हाँ, तो उन टेक्निक्स के बेस पे हम ई और बी सेट कर सकते हैं, और ऐसा सेट करें कि फोर्स जीरो हो जाए जिससे वेलोसिटी निकल के इतना आता है। अब ये वेलोसिटी को जो ओबे कर रहा है वो लोग अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएंगे, और जिस वेलोसिटी को ओबे नहीं कर रहा है वो लोग अंदर फंस जाएंगे। हाँ, तो द ऑल फिनोमिनन इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ राइट डाउन समथिंग इन द कमेंट बॉक्स। कहाँ जा रहा है यार, ऐसे बेईमानी नहीं कर रहा, पूरा वीडियो देखा मजे से, तो कमेंट तो बनता है ना दोस्त, कि नहीं बनता है? यस, कमेंट लिख, शेयर कर, चैनल रह गया है तो सब्सक्राइब कर दे, और वो अंगूठा दबा दे लाइक, और अपने दोस्तों को भी भेज, ठीक है, चल भाई।